हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको दिखाते हैं अपना विद्यालय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टुकमौली सल्ट अल्मोड़ा का सुंदर दृश्य। देखिए, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ और साथ में ऊपर प्राथमिक विद्यालय आप देख सकते हैं। ये देखिए प्राथमिक विद्यालय, आस पास विभिन्न गांव हैं, डंगला, चमकना, टुकमौली, मनैर, टिचार आदि गाँव बसे हुए हैं। साथ में आप देख सकते हो हमारे रोड हेड पे विद्यालय है। यहाँ पे कुछ पक्का रास्ता भी, बीच में कच्चा रास्ता भी है। ये रास्ता देखो मार्केट को जाता हुआ, यहाँ पर हमारे रूम हैं, ऊपर देख सकते हो आप। यहाँ की जो दूरी है लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूरी है, जो हमको लगभग गाड़ी में आधा घंटा लगता है। और ये देखिए हमारे विद्यालय की लोकेशन, कुछ हमारे अध्यापक पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। साथ में आनंद सिंह रावत जी, हमारे चौहान जी विद्यालय पहुंच चुके हैं और कुछ बच्चे भी यहां पर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो साथियों। और यहां पे हमारे विद्यालय की पूरी लोकेशन कैसे पहाड़ों के बीच में सुंदर बसा हुआ है, आप देख सकते हो साथियों। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। भोपाल टेक्निकल आर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम दिखाएंगे आपको अपने विद्यालय से किस प्रकार अपने रूम तक पहुंचते हैं, कैसे कठिन रास्ते से होकर गुजरते हैं। हम आपको आज सारी चीज़ें दिखाएंगे, आप आगे देख सकते हो साथियों। तो साथियों, विद्यालय की छुट्टी हो चुकी है, 3:30 बज चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने रूम की तरफ। ये है हमारी गाड़ी, आप देख सकते हो साथियों। हमारे समस्त स्टाफ, वे टीचर्स सब लोग आते हुए, वे गाड़ी पे बैठते हुए आप देख सकते हो। ये है रास्ता, बहुत ही पथरीला वे संकरीला रास्ता है, बहुत ही नीचे देख सकते हो खाई है। ये आप देख सकते हो, ये हमारा समस्त स्टाफ, वे एक साथ में स्टूडेंट छात्रा भी है। यहाँ पर कहीं कहीं पर पक्का रास्ता, वे अधिकतर बीच बीच में कच्चा रास्ता है। यहाँ पे कभी भी अनहोनी घटना घटित हो सकती है, किंतु हमारे ड्राइवर जो बालम भाई हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से गाड़ी चलाते हैं, काफ़ी अनुभव हैं, जिस कारण वह आसानी से हमको रूम तक पहुँचा देते हैं। ये देखिए साथियों, और फल ना भी चढ़ाओ, भगवान के प्रति आस्था अच्छी रखो। अगर हमारा फोटो नहीं आया ना तो फल नहीं मिलेगा। इधर आइए चौहान मिश्रा जी, इधर देखिए, दिख रहे हो कि नहीं आप? अरे मैं भी दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ सर। हाँ, ये है, देखिए साथियों यहाँ की जो रोड है, बैठ के ये दिखाओ, काला काला ये भूत है यहाँ। और ये नहीं दिखाओ, ये तेज पत्ता, तेज पत्ते का इतना बड़ा पेड़ दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। इसको लोग कितने में खरीदते हैं? ये है तेज पत्ता, ये सामने दिख रहा है, पूरा पेड़ है ये, ये वो है, ये है गांव किचार। आप देख सकते हो साथियों, यहाँ पे देखो कच्चा रास्ता, खड़ा रास्ता है ये, आ जाओ। तो साथियों, ये कच्चा रास्ता आप लोग सभी देख रहे होंगे, ऐसे ही रास्ते बहुत सारे हमारे पहाड़ों पर, इससे भी अति दुर्गम वे खराब रास्ते हैं, जो हमारे सरकारी कर्मचारी ऐसे ही रास्तों से गुजरते हैं अधिकतर बरसातों में। और भी स्थिति यहाँ पर ख़राब हो जाती है, तो बहुत सारे लोग पैदल भी आना जाना करते हैं। और साथ ही दूसरी तरफ देख सकते हो आप, खाई है और आसपास बाग का भी हमेशा खतरा बना रहता है। कई बार बाग को देखा गया है, कई जंगली जानवर कभी भी हमला कर सकते हैं। तो ऐसे कठिन रास्तों से हमारे सरकारी कर्मचारी रोज ही अप डाउन करते हैं, आप देख सकते हो साथियों। पहाड़ों पर नौकरी करना आसान कार्य नहीं है,
ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप देख सकते हो, साथ ही एकदम डाउन में भी कच्चा रास्ता है। यहाँ पे आगे देख सकते हो कहीं कहीं पक्का रास्ता हो आपको दिखाई देगा, कहीं कहीं कच्चा रास्ता है। देखिए यहाँ का रास्ता कितना खराब है, रास्ता है देखिए। इधर से आ रहे हैं डगुला वाले भी, हाँ इधर से आ रहे हैं डगुला की गाड़ी भी, इधर से आ रही है इधर से ही जाते थे। रास्ते से उधर हम लोग गुजरते हैं साथियों, नौकरी करना कोई आसान काम नहीं है यहाँ पर पहाड़ों पे। नीचे देखिए थोड़ी सी भी अगर होती है रोड में उसमें गाड़ी की टूट फूट कम है ना इस रोड पे, और नीचे को खाई देखिए। अब ये थोड़ा पक्का रास्ता आ चुका है। अच्छा इसमें सामने भी ऐसी स्थिति है ना, बस ये तो यहाँ पर इसको ऑलरेडी मिल जाती ना चौड़ी सड़क, थोड़ा आगे बढ़ा के काट देता आदमी, ये रोड है ही। आगे पक्की सड़क आप ऊपर देख सकते हैं ये तो इसमें हम पहुंच चुके हैं खंड ऑफिस। आप देख सकते हो साथियों कितना सुंदर खंड ऑफिस है हमारा, ये रास्ते में ही पड़ता है आते जाते समय। देखिए साथियों और ऊपर है प्राइवेट सल्ट पब्लिक स्कूल, आपको दिखाएंगे आप देख सकते हो साथियों। और ये है सल्ट पब्लिक स्कूल, सल्ट पब्लिक स्कूल ऊपर मेन रोड पे पहुँचने वाले हैं जो रामनगर से सीधे मोदी खान चाली खाने के लिए पहुँचने यहाँ से देख सकते हो। ये देखिए ये मेन रोड पे हम आते हुए, ये देखिए ये है बिजली घर, ये शशिखाल आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ से देखो रामनगर से आती हुई गाड़ियाँ। ये देखिए अब हम अपनी यहाँ पर रूम है उस साइड में मुड़ जाएंगे, और ये है हमारा रास्ता मोले खाल के लिए, थोड़ा ही दूर मोले खाल जाली खान के लिए यहाँ पे हमारा रूम है, देख सकते हो साथियों। से हमारे रूम का रास्ता आ चुका है, 8 से 10 किलोमीटर है। कितना सुंदर दृश्य यहाँ से दिख रहा है पहाड़ों का। यहाँ से भी कितना सुंदर दृश्य है,
मजदूर लोग काम करते हुए। तो साथियों आप देख सकते हो, अब ये आ गई है तहसील खुमाड़, और साइड में ही है राजकीय इंटर कॉलेज खुमाड़। साथियों देखिए कितना सुंदर नज़ारा आपको यहाँ से दिख रहा होगा, और ये कुछ गाड़ियाँ यहाँ से रामनगर को जाती हुई। देखिए साथियों पहाड़ की लोकेशन, ये बस देखो रामनगर को जाती हुई, और आगे दिखाएंगे जो मार्केट है मोले खाल, यहाँ की मेन मार्केट मोले खाल से पहले यह है प्रेमनगर का नज़ारा। यहाँ पर केक वगैरह बनाए जाते हैं अच्छे दामों में। ये देखिए यह है प्रेमनगर की शॉप, और साथ ही आगे, तो साथियों आगे हम दिखाएंगे यहाँ की जो मुख्य मार्केट है मोले खाल। दूर दूर से लोग यहाँ पर पर्यटक लोग आते हैं, आप देख सकते हो मार्केट में इतनी जगह ना होने के कारण साइडों में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कतार लगी हुई है। यहाँ पर रोज़मर्रा की जो सामान हैं वस्तु हैं वो आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। तो आप सुंदर नज़ारा यहाँ की मार्केट का देख सकते हो साथियों, और इस मार्केट के आगे ही हमारा रूम है जो कपड़हिया जाली खान पर है। जो हमारे नए साथी हैं अगर वो हमारे चैनल को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में क्राफ्ट कला, चित्रकला, संगीत कला, वे अब हम जल्दी ही लेकर आने वाले हैं मूर्ति कला के, मूर्ति घास मिट्टी व सीमेंट से किस प्रकार बनाई जाती है, वह रंगाई किस प्रकार की जाती है, हम जल्दी ही लेकर आने वाले हैं। तो इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आई घंटी दबाना ना भूले साथियों। तो अब आ चुके हैं हम अपने रूम पर, तो साथियों अब हम अगली वीडियो में ही जल्दी ही मिलेंगे। ओके बाय बाय। उतर चुके हैं, ये देखिए